हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग, एक वापस से नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। हम यहाँ से आप जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे पास में एक एक्वेरियम है, फिश एक्वेरियम, तो वहाँ पे चलते हैं, उसको दिखाते हैं मछली घर है। उसमें काफ़ी सारी समुद्री मछली है, वो आपको दिखाएंगे। तो गाइज, यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई है और हम गीला हो चुका हूँ, तो थोड़ा सा जल्दी चलने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं जल्दी से चलूँ, क्योंकि इसका टाइमिंग होता है, बहुत जल्दी बंद भी हो जाता है। और ये मरीन लाइन के पास में ही है, मतलब यहाँ पीछे में मरीन लाइन था, थोड़ा सा आगे पैदल चलना पड़ता है, इसके बाद आपको सीधे फिश एक्वेरियम दिख जाएगा। और अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सामने रहा फिश एक्वेरियम। गाइस, ये जो आपको दिख रहा है यही है फिश एक्वेरियम मुंबई का, ये काफ़ी फेमस है और इसमें काफ़ी तरह के समुद्री मछली है। इसमें आपको दिखाएंगे अंदर जाके, यहाँ से पास में है, देखते हैं क्या क्या प्रोसेस है। और गाइस, ये मुंबई, माया नगरी मुंबई। गाइस, ये एक्वेरियम है, यहाँ का एंट्री गेट है। एक्वेरियम बंद है, पता नहीं क्यों बंद है, बट ये बंद है। आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ पोस्टर भी लगा दिया हुआ है कि बंद है, अब पता नहीं क्यों बंद है, नहीं बंद है, कब चालू हो। चलिए चलते हैं दूसरे जगह पे, जो देखने आए थे वो तो दिखा नहीं, तो अब दूसरे जगह देखते हैं। एक्वेरियम मैक्सिमम लॉकडाउन जब लगा था उसी टाइम से बंद है, ऐसा मैं यहाँ पे कुछ लोग हैं उन सबसे मैंने पूछा हूँ, तो सब बताया कि ये एक्वेरियम मतलब लॉकडाउन जब से लॉकडाउन लगा तब से खुला नहीं है, मतलब 3 साल हो गया। रीजन क्या है वो मुझे नहीं पता, बट ये 3 साल से बंद है, जब से लॉकडाउन लगा तब से ये बंद है। इसमें काफ़ी सारी कमी आ गई होगी, 3 साल से बंद है और इसको मैनेज करने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो बहुत टाइम लगेगा इसको खुलने में। चलिए चलते आगे। मैं आपको यहाँ पे एक बिल्डिंग दिखाऊंगा, जो आप देखोगे वैसा, मतलब सेम ऐसा बिल्डिंग दुबई में भी बना गया है। तो दुबई में कुछ बड़ा है और यहाँ का छोटा है, जो आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा, मैं आपको बैक कैमरा से दिखा रहा हूँ। देख सकते हो सेम ऐसा दुबई में देखने को मिल रहा है, मतलब दुबई में सेम ऐसा बिल्डिंग है और यहाँ पे भी सेम ऐसा है। तो फाइनली गाइस, मैं अभी रास्ता में हूँ और मुझे थोड़ा सा और टाइम लगेगा, मतलब मैं पैदल जा रहा हूँ, वहाँ गया था एक्वेरियम देखने, बट वो लॉकडाउन जब से लॉकडाउन लगा है तब से वो बंद ही है, मतलब आज तक चालू हुआ नहीं है, मतलब लॉकडाउन का 3 साल हो गया है। हाँ, 3 साल हो गया है। वहाँ के एक अंकल थे, दुकानदार थे, उनसे भी मैंने बात किया तो वो बोल रहे थे, अंकल बोल रहे थे, मतलब कि जब से लॉकडाउन लगा है तब से ये खुला नहीं है। तो हम चल रहे हैं जुहू पास में ही है, मतलब वहाँ से जुहू मरीन ड्राइव ये सब पास में ही है, वर्सभा और सभा सब पास में ही है, तो चलिए चलते हैं। पास में ही रेलवे स्टेशन है, ये बगल में रेलवे स्टेशन है और यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा बैनर लगा हुआ है आईफोन 40 प्रो का, जो लॉन्च हो गया है आईफोन 40 प्रो। फाइनली गाइस, मैं पहुँच गया हूँ जो बीच का एंट्री गेट एंट्री है, तो हम एंट्री कर रहे हैं और फिर इसके बाद आपको दिखाएंगे, जब देख सकते हो ये मुंबई और यहाँ सामने समंदर। गाइस, ये 3 बत्ती है, जैकी श्रॉफ जो है टाइगर श्रॉफ, उनका घर इधर में ही है, मतलब इसी एरिया में है, और इधर में अंबानी का घर है, आपको एक काला सा बिल्डिंग दिख रहा होगा लोधा, उसके अपोजिट में मुकेश अंबानी का घर है। गाइस, आप देख सकते हो समुद्र का व्यू, देख सकते हो काफ़ी अच्छा है, मतलब कितना अच्छा है वो आप भी ऑब्जर्व कर सकते हो। एंड गाइस, इधर का व्यू भी देख सकते हो कैसा है, शाम का टाइम हो रहा है। एंड गाइस, अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।